सीएम योगी मिशन 2022 में जुट गए हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में योगी विकास का कवच पहनकर उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसकी तैयारी हालांकि वो पिछले 4.5 साल से कर रहे हैं। नौकरियों में पारदर्शिता हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, सीएम योगी चुनाव में उतरने से पहले दोनों ही मोर्चों पर किलेबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर को जहां यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलेगा, वहीं अब कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल गई है। हमारे कानपुर की मेट्रो ने प्रगति के बढ़ते कदम, आज वो सब पूरा हुआ जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। और ये रवाना करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, दो साल से भी कम वक्त में कानपुर में जब मेट्रो दौड़ी तो किसी को अपनी आंखों पर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। ...2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही कानपुर में सीएम योगी ने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर विकास की नई इबारत लिख दी, वो भी बेहद कम वक्त में। तय वक्त से पहले कानपुर के मेट्रो का ट्रायल रन हो गया और 6 हफ्ते के अंदर आम लोगों के लिए भी मेट्रो के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। यूपी में अब कानपुर भी मेट्रो ट्रेन वाला शहर हो गया है। आज कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन प्रारंभ हुआ है। ट्रायल रन का मतलब अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक क्लीयरेंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। की पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान भी कोरोना की मार से कराह रहा था, ऐसे में कानपुर मेट्रो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसका सपना चुनाव से पहले पूरा हो गया। एक समय सीमा से कम समय में, यानी हम लोगों ने 2 वर्ष का एक समय सीमा तय की थी, जब 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो के शिलान्यास की कार्रवाई यहीं पर संपन्न हुई थी, लेकिन इसी दौरान मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए कानपुर में मेट्रो के पहले फेज में 9 किलोमीटर के इलाके में मेट्रो को चलाया जाएगा। मेट्रो की प्राथमिकता वाले इस कॉरिडोर में आईआईटी से लेकर मोती झील तक का सफर तय किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड टाइम में महज 2 साल में कानपुर मेट्रो को शुरू किया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ के बाद कानपुर यूपी की 4थी सिटी मेट्रो ट्रेन वाली बन चुकी है। 31 दिसंबर से आम लोगों के लिए मेट्रो पटरियों पर रफ्तार भरना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।